सो हेलो गाइस, दिस इज विकास और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे दोबारा। सबसे पहले तो आप लोगों को मेरा नमस्कार। सो गाइस, आज का जो वीडियो है वो है बिटगर टोकन को लेके। काफी लोग इस टोकन को लेके असमंजस में थे, हालांकि कई कॉइन या स्कैम कॉइन तो इसको नहीं कह सकते, बट गाइस इस कॉइन की जो हाइप थी थोड़ी सी कम हुई है यहाँ पे, और इनके जो होल्डर्स हैं करीब 1.5 लाख होल्डर्स ये लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और इनका ये भी कहना है कि इनकी जो ब्लॉकचेन है वर्ल्ड फर्स्ट एवर जीरो कॉस्ट गैस फी ब्लॉकचेन, ठीक है, ये भी इनका कहना है। और अगर मैं इनकी यहाँ पे वेबसाइट की बात करूँ तो ये इनकी वेबसाइट का न्यू डिजाइन है जो इन्होंने बहुत पहले लॉन्च किया था। और इनके जो कॉन्टैक्ट एड्रेस है इनका यहाँ पे है वो BRC20 कॉन्टैक्ट एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो नेटवर्क है, मेन टेस्टनेस्ट आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर आप खोलना चाहो तो। ये इनकी टेस्टनेट एक्सप्लोरर है, टेस्ट करने के लिए ब्लॉकचेन को सारा दे रखा है इन्होंने, तो इनकी ब्लॉकचेन तो है बकायदा गाइस। और आप इसको मेटामास्क में भी ऐड कर सकते हैं। और अगर मैं इसकी उसकी बात करूं इनके वॉल्यूम की, तो यहाँ पे अगर इनका 24 आवर वॉल्यूम देखें, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं मैं यार, तो यहाँ पे 3.22 मिलियन डॉलर का 24 आवर वॉल्यूम है जो कि बहुत कम है, ठीक है गाइस। और यहाँ पे 24 आवर्स में इसने 15% -25% 15% दे रहा है, और 7 डेज में 42% गया है, और 1 मंथ में 21%, 3 मंथ के अंदर 61% डाउन गया था ये। तो यहां से अगर देखा जाए तो वहां से जो अपने अपने ऑल टाइम हाई से तो बहुत नीचे आ चुका है ये, और अभी भी नीचे जाने की कोशिश ही कर रहा है, ठीक है भाई। तो आज 15% और डाउन गया है नीचे, तो गाइस देखते हैं ये कॉइन कब अपनी वापस उछाल दिखाता है। हालांकि 1.50 थे इसके अंदर, अब वापस 6.0 आ गए। तो गाइस अभी तो इसमें जो हाई पेनस की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हुई है, क्योंकि इन्होंने ये भी कहा था कि अपना बिटगर्ड एक्सचेंज जो कि लेके आने वाले हैं ये है इनका एक्सचेंज। और ये जो एक्सचेंज है इसके ऊपर इन्होंने अभी तक कोई बात नहीं की है, और इनका ये भी कहना है कि द वर्ल्ड फर्स्ट एवर जीरो ट्रेडिंग फी क्रिप्टो एक्सचेंज। ऐसा कौन सा एक्सचेंज है जहाँ जहाँ पे ट्रेडिंग फी नहीं लगेगी यार, ये तो मेरे को समझ में नहीं आया। अब देखते हैं यहाँ पे, जब से मैंने देखा ये यहाँ पे ये ऐसा का ऐसा है, और इसका जो लुक है मुझे कोई प्रोफेशनल नहीं लगता है, ठीक है गाइस। इट्स वेरी कॉमन सा कोई लुक है कि वेबसाइट का डिजाइन डाल दिया इन्होंने जैसे, बट गाइस यहाँ पे कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा एक्सचेंज के ऊपर। कोई अपडेट इन्होंने अभी तक नहीं दी है इसके रिगार्डिंग, अभी तक कुछ भी नहीं पता बिटकॉइन एक्सचेंज का कि कब आने वाला है, क्या होने वाला है, ठीक है। बस इन्होंने वेबसाइट बना के ऐसे छोड़ दिए, ठीक है गाइस। और बाकी मैं अपडेट और यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, इनके पास बहुत सारे कॉइन्स इनके ऊपर आ रहे हैं जो बी राइज सोशली प्री सेल गो लाइव इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स। तो आर यू रेडी फॉर बी राइज, यहाँ पे प्री सेल आने वाली है, फर्स्ट मेटावर्स टोकन ऑन द फास्ट। तो बी राइज स्टोन पे ही टोकन आने वाला है, बी राइज और मेटावर्स टोकन है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखो बहुत से कॉइन जो हैं जो डीलिस्ट भी हो चुके हैं इनके लिस्ट से। सर्वेक्स नाम से बैकलिस्टेड फ्रॉम बिटगर स्टार्टअप स्टूडियो, ये कॉइन डीलिस्ट कर दिया गया है क्योंकि इन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया था भैया। और यहाँ पे देखो एक कॉइन और है, ये देखो ओमनीवर्स, ओमनियावर्स के नाम से, ये भी कोई मेटावर्स टोकन था, ये भी बैकलिस्ट हो गया बिटगर के यहाँ से। तो कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच हो जा रहे हैं लगातार, ठीक है गाइस। लोग बाग अपने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर रहे हैं। और देख लेते हैं आइसक्रीम स्वैप, वी डजंट लाइक आइसक्रीम, पार्टिसिपेंट द एयर ऑफ नाउ एंड अर्न आइसक्रीम स्वैप टोकन, ये कोई नया टोकन लगता है, ये भी बी राइस के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। और ये सिम्फ्रेक्स लाएगा, यहाँ पे आपको बी राइस चेन मिल जाएगी, यहाँ पे आप स्वैप कर सकते हैं, टोकन खरीद सकते हैं इनके बी राइस के थ्रू भी, ठीक है। तो बी राइजन प्री सेल इज लाइक, यहाँ पे नया टोकन है बी राइजनो प्री सेल, मतलब यार ये पता नहीं क्या चल रहा है बी राइजो बी राइजन, तो अलग अलग तरीके के टोकन आए जा रहे हैं, और रीचिंग 1,50,000 होल्डर्स इन्होंने कंप्लीट कर दिए। तो ये सारी अपडेट है इस टोकन को लेके अभी तक कोई ऐसी कोई। और यहाँ पे ये इनके होटल का काम चल रहा है इनके टोकन का, ये देखो बी राइज पैराडाइज नाम से होटल बन रहा है इनका यहाँ पे, मुझे लगता है सारे टोकन इकट्ठे करके यहाँ डालेंगे, ठीक है भाई। तो यही सारी चीजें होने वाली है, तो देखो आगे क्या क्या करता है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि यार ज्यादा पैसा मत फंसा देना इस टोकन के अंदर भी, इतना ही पैसा लगाना। और इनका बाय सेल टैक्स परसेंटेज भी है कि आप वहां पे बाय और सेल करते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता है मिनिमम, ठीक है, सेल करने पे आई थिंक। तो ये सारे अपडेट है इस टोकन को लेके, तो इतना ही पैसा लगा जितना कि आप गवा सकते हैं क्रिप्टो के अंदर, ठीक है। तो ज्यादा पैसा मत फंसाना, अभी भी कहूंगा कि ऑलरेडी अपना रिटर्न दे चुका है, इससे ज्यादा रिटर्न देगा नहीं देगा ये तो वक्त ही बताने वाला है गाइस। तो हालांकि इसने रिटर्न अच्छा दिया है लोगों को, काफी लोगों को इसने बहुत पैसा कमा के दिया है, ठीक है। तो ये अपडेट इस टोकन को लेकर, देखते हैं इनका एक्सचेंज एक्सचेंज के रिगार्डिंग कोई अपडेट देते हैं, अभी तक तो कोई अपडेट नहीं। इवन मैंने ट्वीट भी किया था इनके उस पर बिटगर एक्सचेंज पे, मेरा ट्वीट भी काफी अच्छा वायरल भी हुआ था, वो लोगों ने उसको पसंद किया कि वेयर इज द बिटगर एक्सचेंज, मैंने नाम से ट्वीट किया था। तो इन्होंने कोई रिप्लाई भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं बताया अभी तक, देखो क्या होता है क्या नहीं होता, लेट्स सी। तो ये सारी अपडेट थी इस टोकन को लेकर, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच।